मिस्त्री वर्ड प्रेजेंटिंग गदर टू। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तारा सिंह का बेटा चरणजीत सिंह अब बड़ा हो चुका है। फिल्म में तारा सिंह का रोल सनी देओल निभा रहे हैं और चरणजीत सिंह का रोल उत्कर्ष शर्मा। चरणजीत सिंह आर्मी में भर्ती हो चुका है और अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद चरणजीत सिंह अपने घर आया होता है और सनी देओल और अपनी माँ सकीना के साथ रह रहा होता है। फिल्म में सकीना का रोल अमीषा पटेल निभा रही। घर में खुशी का माहौल होता है क्योंकि तारा सिंह ने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी थी और चरणजीत सिंह की शादी सिमरन कौर से होने वाली है। अगले कुछ ही दिनों में चरणजीत सिंह की शादी होने वाली थी कि तभी चरणजीत सिंह को खबर मिलती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है और अब उसे जल्दी से जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसलिए चरणजीत सिंह जल्दी से तैयार होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ता है। उसकी माँ सकीना उसे जाने से रोकती है और कहती है कि पहले तुम्हारी शादी हो जाए फिर चले जाना, लेकिन चरणजीत सिंह कहता है कि मैं अपने देश को छोड़कर अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच सकता। इतना कहकर चरणजीत सिंह अपने घर से चला जाता है। दूसरी तरफ में भारत और पाकिस्तान का युद्ध दिखाया जाता है जिसमें भारत के सैनिक पाकिस्तान से लोहा ले रहे हैं और चरणजीत सिंह भी अपनी ड्यूटी पर लौट चुका था और पाकिस्तान के सैनिकों से लड़ रहा है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और आखिरी में पाकिस्तान हार मान लेता है और सरेंडर कर देता है। पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद भारत पाकिस्तान के पकड़े हुए सैनिकों को पाकिस्तान को सौंप देता है और पाकिस्तान भी भारत के कुछ सैनिकों को भारत को सौंप देता है, लेकिन पाकिस्तान भारत के 5 सैनिकों को नहीं छोड़ता और उन्हीं में से एक होता है चरणजीत सिंह। कई दिनों तक चरणजीत सिंह के बारे में कोई खबर न मिलने की वजह से सरकार सोचती है कि चरणजीत सिंह की मौत हो गई है और उसके साथ ही जंग में मातम फैल जाता है। चरणजीत सिंह को गायब हुए लगभग 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था और सभी को लग रहा था कि वो मर चुका है, पर वो अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में कैद था। कुछ ही दिनों के बाद इंडियन आर्मी के जवान एक पाकिस्तानी जवान को पकड़ लेते हैं। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद वह पाकिस्तान का जवान बताता है कि 1971 के युद्ध के बाद जो भारत के 5 जवान गायब हुए थे वो आज भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में कैद है। जब सरकार को यह बात पता चलती है तो सरकार पाकिस्तान की आर्मी से इसका जवाब मांगती है, पर पाकिस्तानी आर्मी बताती है कि उन्होंने भारत के किसी भी जवान को कैद करके नहीं रखा है। जब ये खबर तारा सिंह तक पहुंचती है तो तारा सिंह को पक्का विश्वास हो जाता है कि उनका बेटा चरणजीत सिंह आज भी जिंदा है और पाकिस्तान में कैद है। इसलिए वो आज सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनके बेटे को जल्द से जल्द पाकिस्तान की कैद से छुड़वा लिया जाए। सरकार कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि चरणजीत सिंह और उनके कई साथी आज भी पाकिस्तान की कैद में हैं। कुछ दिनों तक सरकार का इंतजार करने के बाद तारा सिंह खुद फैसला करता है कि वो पाकिस्तान जाएगा और अपने बेटे को वहां से छुड़वाकर भारत वापस लाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का एक आर्मी अफसर जिसका नाम मोहम्मद है वो जेल से आया हुआ है। जेल में हमें अब चरणजीत सिंह की एक झलक देखने को मिलती है जो काफी बुरी हालात में है और उसके शरीर के कई हिस्सों से खून भी बह रहा है। चरणजीत सिंह के साथ में भारत के और भी कई सैनिक दिखाए जाते हैं जिनको बड़ी बेरहमी से पाकिस्तान की जेल में रखा हुआ था। लंबे समय से मोहम्मद चरणजीत सिंह और उसके साथियों को टॉर्चर कर रहा है जिससे वह भारत की सेना के कुछ इम्पोर्टेंट हथियार और स्पेशल जगहों के बारे में जानकारी दे सके, जिसकी मदद से वह भारत में अपने आतंकवादियों को घुसा सके और 1971 के हारे हुए युद्ध का बदला ले सके। मोहम्मद चरणजीत सिंह और उसके साथियों को काफी टॉर्चर करता है, लेकिन इनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। इसलिए मोहम्मद अपने सिपाहियों से कहता है कि इन्हें ना ही मरने देना है और ना ही जीने देना है। जब तक इनके शरीर से इनकी जान न निकल जाए तब तक इनसे सच उगलवाते रहो। दूसरी तरफ हमें तारा सिंह को दिखाया जाता है जो पाकिस्तान में जाने की तैयारी कर रहा था और सरकार को बिना बताए एक सरकारी अधिकारी की मदद से तारा सिंह पाकिस्तान में जाने वाली एक मालगाड़ी में बैठकर पाकिस्तान तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां पर किसी को जानता नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान की आर्मी ने उसके बेटे चरणजीत सिंह को कहां पर छुपा के रखा है। पाकिस्तान में रहते रहते तारा सिंह वहां पर अपना ठिकाना तो बना लेता है, पर उसको अभी तक चरणजीत सिंह की कोई भी खबर नहीं मिली थी। अपने बेटे चरणजीत सिंह का पता लगाने के लिए तारा सिंह अपने एक मुस्लिम दोस्त की मदद लेता है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रह गया था। तारा सिंह के घर पर जाकर उसकी सारी बातें बताता है। तारा सिंह का वो दोस्त तारा सिंह को अपने बेटे के प्रति इतना प्यार देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तारा सिंह का मुस्लिम दोस्त तारा सिंह को कहता है कि मुझे यह तो नहीं पता है कि तुम्हारा बेटा चरणजीत सिंह पाकिस्तान के किस जेल में कैद है, पर मेरा एक अच्छा दोस्त पाकिस्तान की आर्मी में बड़ा अफसर है, उसको शायद पता होगा कि भारत के सैनिकों को पाकिस्तान
पाकिस्तान की किस जेल में रखा जाता है। तारा सिंह का वो मुस्लिम दोस्त अपने उस बड़े आर्मी ऑफिसर दोस्त को अपने घर पर एक दिन खाना खाने के लिए बुलाता है। उस दिन तारा सिंह भी वहाँ पर मौजूद होता है। तारा सिंह बातों बातों में उस अफसर से अपने बेटे की उस जेल के बारे में पूछता है जहाँ पर उसको कैदी बनाकर रखा गया था। वो अफसर बताता है कि भारत के पकड़े हुए आर्मी जवानों को पाकिस्तान की एक अंडरग्राउंड जेल में रखा जाता है जो हाई सिक्योरिटी एरिया में है। इस जगह पर आर्मी के अलावा किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। तारा सिंह को अपने बेटे के ठिकाने का तो पता चल जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तारा सिंह उस जेल में जाने का प्लान बनाने लगता है। तारा सिंह प्लान बनाता है कि वो रात को उस जेल में जाएगा और वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के ड्रेस में जाएगा तो उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। कुछ ही दिनों के बाद तारा सिंह उस जेल में पहुँच जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इस अंधेरों के बीच में तारा सिंह पाकिस्तान की आर्मी के एक जवान को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मारकर उसकी ड्रेस पहनकर उस जेल में उसी जवान का आई कार्ड इस्तेमाल करके घुस जाता है। तारा सिंह जेल के काफी अंदर तक चला जाता है पर किसी को उस पर शक नहीं होता, लेकिन तारा सिंह को चरणजीत सिंह के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। तभी उसको एक जवान के चिल्लाने की आवाज आती है जिसको जमीन के अंदर कैद करके रखा गया था। तारा सिंह अंडरग्राउंड जेल को दरवाजा खोलता है तो उसे भारत के कुछ जवान देखते हैं और उन्हीं के बीच में होता है चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह की इतनी बुरी हालत देखकर तारा सिंह भी वहां पर रोने लगता है और उनसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूं। मैं अब हर एक जवान को वापस भारत ले जाऊंगा। तारा सिंह एक एक जवान को वहां से निकालना शुरू करता है और आखिरी में चरणजीत सिंह को लेकर वहां से निकल जाता है। बीच में कुछ जवान तारा सिंह को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तारा सिंह उन सभी भारत के जवानों को आगे भेज देता है और जो पाकिस्तान के जवान इनका पीछा कर रहे थे उन सभी जवानों को वहीं पर मार देता। तभी पूरी जेल में भगदड़ मच जाती है कि भारत के सभी जवान जेल से भाग गए हैं। जब ये खबर मोहम्मद तक पहुँचती है तो वो पाकिस्तान की सभी सीमाओं पर सिक्योरिटी बढ़ा देता है और भारत के उन सभी जवानों और तारा सिंह को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगता है। दूसरी तरफ तारा सिंह सभी जवानों को लेकर एक जंगल में छिपकर बैठा था और पाकिस्तान से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मोहम्मद को खबर मिलती है कि भारत के भागे हुए उन जवानों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। तभी मोहम्मद अपने जवानों की एक टुकड़ी को लेकर जंगल की तरफ रवाना होता है। अब मोहम्मद जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन तारा सिंह और भारत के जवान मिलकर उन सभी पाकिस्तान के जवानों को वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। मोहम्मद कई बार इन पर हमला करता है, लेकिन तारा सिंह अपनी चतुराई से और अपनी चालाकी से अपनी ताकत से इन सभी जवानों को या तो वहां से भगा देता है या उन्हें मार देता है। तभी तारा सिंह को पता चलता है कि इसी जंगल में एक नदी बहती है जो आगे चलकर भारत की सीमा में दाखिल होती है। तारा सिंह इस नदी के जरिए ही भारत में जाने का प्लान बनाता है। तारा सिंह उन सिपाहियों की मदद से नाव बनाना शुरू करता है। एक ही दिन में तारा सिंह नाव बनाकर तैयार कर देता है और रात में उस नदी की मदद से भारत की सीमा में दाखिल होने का प्लान बनाता है। लेकिन मोहम्मद भी जानता था कि इसी जंगल के अंदर से एक नदी बहती है जो सीधा सीधा भारत में जाती है, इसलिए मोहम्मद नदी पर नजर रखना शुरू कर देता है और जहां से यह नदी भारत की सीमा में दाखिल होती थी वहां पर अपने सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी कर देता है। अब तारा सिंह अपने सभी जवानों को रात में उस नदी की मदद से भारत की सीमा में दाखिल होने वाले थी। तभी मोहम्मद के जवान इन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन तारा सिंह और भारत के वे जवान जो पाकिस्तान की सेना से हथियार छीने थे उन्हें से उनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। अब ये भारत की सीमा से थोड़ी दूर पर ही थे, तभी मोहम्मद भी वहां पर पहुंच जाता है और अब तारा सिंह और मोहम्मद का आमना सामना होता है। तारा सिंह मोहम्मद को मार देता है और भारत की सीमा में दाखिल हो जाता है। भारत की सीमा में दाखिल होते ही भारत की सेना इन्हें पहचान लेती है और इन सभी को वहां से सीधा अपने हेडक्वार्टर ले जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और प्यारे से चैनल mistrywork.in को सब्सक्राइब जरूर करें।